हेलो गाइस, लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि 1 किलो बूंदिया बनाने के लिए उसके अंदर कितना सामान लगेगा और क्या क्या इसके अंदर डालेंगे, तो उसकी मात्रा बताएंगे। लेकिन आपको बूंदी बनाने के वीडियोस तो कई जगह मिल जाएंगी, तो आप वहीं से देख कर बना सकते हो। लेकिन आपको इसके अंदर सामग्री के अंदर क्या क्या डालना है, कितना डालेंगे, वो वीडियोस नहीं मिलेंगे, तो आपको यही इस वीडियो के अंदर से जानकारी देंगे। लेकिन आप जानने से पहले, अगर आप सभी चैनल पे नए हो तो लक्ष्मी किचन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप सभी को बताते हैं कि 1 किलो बूंदिया बनाने के लिए उसके अंदर हम 200 ग्राम इसके अंदर बेसन डालेंगे और 50 ग्राम इसके अंदर मैदा डालेंगे। कुल ये हो गया 250 ग्राम और उसके अंदर हम पानी डालेंगे 250 ग्राम पानी। 1 किलो बेसन की बूंदी बनाने के लिए इसके अंदर कितनी चीनी लगेगी, तो आप सभी को ये भी इसी वीडियो के अंदर बताते हैं कि 1 किलो बूंदी बनाने के लिए आप सभी को इसके अंदर 250 ग्राम चीनी डालनी है, जिससे एकदम से अच्छे और मजेदार बूंदिया बनकर तैयार होंगे। तो आप इसी तरह से ये सारे सामान डालकर बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हो आप अपने घर में। तो आप इसे 1 किलो का हमने आप सभी को अनुपात बताया है, तो यहाँ पर आप सभी इसी के हिसाब से आप 2 किलो बूंदी बनाकर तैयार कर सकते हो और 3 किलो बनाकर भी तैयार कर सकते हो। इसके लिए भी आपको इसकी जो हमने सामग्री की मात्रा बताई है उसको आप डबल करते रहिए, तो आपका ये बूंदिया अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे और आपके मन में उठने वाले सवाल भी आप सभी को उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आप इसी तरह से बना सकते हो। और अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दे। और गाइज, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइए कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हो, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आपके मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें जरूर पूछे, क्योंकि हम उसका आप सभी को तुरंत ही आंसर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।